मैं समझता हूँ अभी माननीय रामलाल चौधरी जी ने जो विस्तार से चर्चा किया है उसके बाद कुछ बचता नहीं है कि मैं कुछ बोलूं। लेकिन आपने एक सवाल किया है कि पिछड़ों का कुर्मी समाज का बहुत सा संगठन पूरे राज्य में अलग अलग ढंग से चलाया जा रहा है। हम लोगों का एक प्रयास है कि माननीय रामलाल जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में जितने कुर्मी समाज के संगठन चल रहे हैं सभी एक मंच में आ जाएं। इसके लिए आज से 15-20 दिन पहले सीता लोहदार भी कुर्मी विकास मोर्चा चलाते हैं, वो भी मेरे पास आए थे। मैंने उनको भी कहा कि राज्य में कुर्मी का जो जनसंख्या है, जनसंख्या के अनुसार जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और अलग अलग मंच से अलग अलग तरीके से कुर्मी को आदिवासी की सूची में डालने के लिए दबाव बना रहे हो, ये संभव नहीं है। जब तक एक मंच में कुर्मी नहीं आएगा तब तक कुर्मी जो मांग है, जो स्थिति आज से 100 साल पहले थी कुर्मियों की, आदिवासी के सूची में जब शामिल था और उसी को हासिल करने के लिए अभी लोग दबाव बना रहे हैं, अलग 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 मंच से बना रहे हैं। एक मंच में अगर आ जाए और सारा कुर्मी एक लाइन पर चलने लगे, अभी कुर्मी बटा हुआ है। अभी कुछ कुर्मी है भारतीय जनता पार्टी में, कुछ कुर्मी है जेएमएम में, कुछ कुर्मी है आसू पार्टी में। तो जब तक ये बटे रहेंगे तब तक ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, कोई सरकार करने वाली नहीं है। अभी जो हेमंत सोरेन के पास जो जुलूस बना के लोग धनबाद से आए, इसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ ये संदेश देना था कि यहाँ कुर्मी जगा हुआ है, कुर्मी आगे बढ़ रहा है। हेमंत सोरेन ने इस पर कोई नोटिस तक नहीं लिया। ये कुर्मी को समझना चाहिए, और जब तक कुर्मी एक मंच में नहीं आए, जिस पार्टी के साथ जाए और उस पार्टी के साथ सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सौदे की राजनीति पूरे देश में चल रही है। सौदा करना पड़ेगा कि हमारा कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करोगे तब तुम्हारे साथ हम जाएंगे, नहीं तो जो हमको शामिल करेगा हम उसके साथ जाएंगे। ये जब तक कुर्मी एक मंच में आकर के एक लाइन से जब तक नहीं चलेगा, इस अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। रही बात पिछड़ों की, पिछड़ा जब बिहार में थे 27% था, पूरे देश में 27% है। हम पिछड़े के सूची में भी हैं, पिछड़ा का जो सूची में मेरा जो अधिकार 27% था उसको भी छीन लिया गया झारखंड बनने के बाद। तो झारखंड बनने के बाद कुर्मियों की सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा यहाँ के युवाओं को क्षति हुआ है, उस पर भी मेरा विरोध है। अभी अभी आप देखे होंगे 2-3 दिन पहले विधानसभा में एक जो प्रस्ताव लाया है कि 73% हम यहाँ लागू करेंगे और 32% हम आदिवासियों को देंगे। आदिवासियों की जनसंख्या यहाँ जो अभी सूचीबद्ध जो आदिवासी हैं उसकी जनसंख्या यहाँ 22% है, उनको 26% आरक्षण है। मेरा उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन 32% करने का कोई तुक नहीं है। इसीलिए जो अभी माननीय रामलाल चौधरी जी ने कहा पिछड़ों का आरक्षण जो है 36% से लेकर के 52% मिलना चाहिए, और इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और वो जो ये दोनों संघर्ष मेरा जारी है। उस जारी है कि एक मंच में जब तक कुर्मी नहीं आएगा तब तक कुर्मियों का समाधान होने वाला नहीं है, अलग अलग
राजनीतिक दल में रह करके आप प्राप्ति नहीं कर सकते हो। यही संदेश मैं खास करके देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हम उम्मीद करते हैं कुर्मी भाई एक मंच में आने का काम करेंगे। धन्यवाद। गणतंत्र न्यूज की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।